तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों। जवान ने कल शानदार 15 दिन कंप्लीट करके आज 16वें दिन में एंट्री मान ली है और कल की ही तरह आज भी बवाल धमाल मचा रही है। तो आज बात करेंगे जवान ने अभी तक कितनी कमाई कर ली है, कल डे 15 कैसा रहा मूवी का और आज डे 16 की ग्रोथ कैसी चल रही है। फर्स्ट डे कितनी कमाई करी मूवी ने, पहले 3 दिन में कितनी कमाई करी, पहले 7 दिन में कितनी कमाई करी, टोटल लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना कर सकती है और अब तक कौन कौन सी बड़ी बड़ी फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ चुकी है सब जाने के बाद कुछ ही देर में। तो वीडियो के अंत तक जरूर जुड़े रहना अगर आप भी जवान मूवी से रिलेटेड लगातार बिग अपडेट चाहते हैं और ऐसा के डाई हार्ट फैन है तब। लेकिन उससे पहले वीडियो को एक लाइक और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। अटली कुमार के डायरेक्शन में 300 करोड़ के खर्चे पर बनने वाली जवान, जिसके मेन लीड पर आपको मल्टीपल रोल्स में द किंग खान, बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान देखने को मिलेंगे। इसी के साथ मल्टीपल कैमियोज भी देखने को मिलेंगे जिसमें दीपिका, विजय थारापति और संजय दत्त जैसे दिग्गज स्टार हैं। साथ ही सेकेंड लीड में द मोस्ट ब्यूटीफुल नयनतारा आपको देखने को मिलेंगी, जिन्होंने शाहरुख खान के साथ जबरदस्त काम किया है। उसके बाद सपोर्टिंग में आपको सानिया मल्होत्रा, प्रिया मनी, सुनील ग्रोवर एंड विलेन में विजय सेतुपति सुपर फैंटास्टिक अमेजिंग नेगेटिव कैरेक्टर का रोल प्ले किया है। अकेला बंदा भारी पड़ा है ये पूरे कास्ट पर। कंटेंट इज सुपर अमेजिंग एंड स्टोरी लाइन इज फैंटास्टिक। सोशल पॉलिटिकल एंड करप्शन के मुद्दों पर जबरदस्त तरीके से बात उठाई गई है। तो बात करते हैं बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की। तो फर्स्ट डे ह्यूज कलेक्शन किया, पूरी दुनिया से 130 करोड़ का कलेक्शन किया। इसी के साथ पहले 3 दिन में ही पूरी दुनिया से 385 करोड़ के आंकड़े को अपने नाम कर लिया था मूवी ने। इसी के साथ पहले हफ्ते की शानदार शुरुआत करी और पहला हफ्ता खत्म करते करते पहले 7 दिन में सिर्फ हिंदी से 327 करोड़ की कमाई करी। टोटल नेट इंडियन कलेक्शन फर्स्ट वीक का 369 करोड़ था और पूरी दुनिया से फर्स्ट वीक में 660 करोड़ के आंकड़े को अपने नाम किया था। इसके सेकेंड वीक की शुरुआत भी जबरदस्त तरीके से करी और 8वें, 9वें और 10वें दिन में सॉलिड ग्रोथ करते हुए पहले 10 ही दिन में सिर्फ हिंदी से 396 करोड़ और ऑल इंडिया नेट से 442 करोड़ के कलेक्शन कर लिया था मूवी ने। और पूरी दुनिया से पहले 10 ही दिनों में 812 करोड़ के आंकड़े को टच कर चुकी थी। इसी के साथ 11वें दिन में सेकेंड संडे का फुल फायदा उठाते हुए अगेन जबरदस्त कमाई करी और पूरी दुनिया से पहले 11 दिन में ही कमाया मूवी ने 858.68 करोड़। इट मींस 859 करोड़ ही मान के चलो का ह्यूज ह्यूज कलेक्शन कराया है सॉलिड ग्रोथ के साथ। बात करें 12वें और 13वें दिन में कैसी ग्रोथ थी, जबरदस्त ग्रोथ थी। दोनों ही दिन वर्किंग डेज होने के कारण आग फाड़ कमाई तो करी, हिंदी से अच्छा कलेक्शन किया। बात करें 14वें दिन में कैसी कमाई रही, कैसी ग्रोथ रही, अमेजिंग ग्रोथ रही। हिंदी से 8.60 करोड़ का टोटल नेट कलेक्शन हुआ। डे 14 में 9.40 करोड़ का कलेक्शन सिर्फ नेट इंडिया से करा है अपने 14वें दिन में। इसी के साथ पहले दो हफ्ते में या फिर पहले 14 दिन में सिर्फ हिंदी से 466 करोड़ का ह्यूज ह्यूज कलेक्शन किया है। साथ ही पहले दो हफ्ते में तमिल और तेलुगु से 54 करोड़ का कलेक्शन मूवी ने कर लिया था। इसी के साथ पहले दो हफ्ते में टोटल नेट कलेक्शन कितना किया मूवी ने, 520 करोड़ का हो चुका था नेट इंडियन कलेक्शन। दोस्तों ह्यूज कलेक्शन है, पर मात्र दो हफ्ते में ही इतनी बड़ी कलेक्शन करना और फास्टेस्ट ग्रॉसर की लिस्ट में नंबर 1 पर आना, वो भी बॉलीवुड की हिंदी मूवी के लिए, एक अनबीटेबल सा रिकॉर्ड था जो जवान ने बीट कर दिया है। इसी के साथ पहले दो हफ्ते में 300 करोड़ का कलेक्शन सिर्फ ओवरसीज से किया है मूवी ने और पूरी दुनिया से पहले दो हफ्ते में मूवी ने 922 करोड़ का ह्यूज कलेक्शन कर लिया है, मैमथ कलेक्शन कर लिया है या फिर यूं कहूं कि जाइंट कलेक्शन कर लिया है बाय गॉड। क्योंकि लगभग बॉलीवुड की अगर एवरेज मूवी की बात करूं, ब्रह्मास्त्र की बात कर लेते हैं, तो लगभग 2 से 2.5 ब्रह्मास्त्र का लाइफ टाइम कलेक्शन है ये 922 करोड़ का। उसके बाद अगर बजरंगी भाईजान को खदेड़ दिया है उसके लाइफ टाइम कलेक्शन रिकॉर्ड को, उसके बाद सुल्तान के लाइफ टाइम कलेक्शन रिकॉर्ड को खदेड़ दिया है और अपनी चेन्नई एक्सप्रेस जो कि उस टाइम की बहुत ब्लॉकबस्टर मूवी थी, उसकी 2 बार की लाइफ टाइम कलेक्शन के रिकॉर्ड को ये मात्र 2 हफ्ते में पीछे कर चुकी है जवान 922 करोड़ के साथ बाय गॉड। तो बात करें कल यानी सेकेंड थर्सडे की, यानी 15वें दिन कैसी ग्रोथ रही, एवरेज ग्रोथ थी कल के दिन भी। कल भी डिप देखने को मिला क्योंकि वर्किंग डेज चल रहे हैं तो डिप देखने को मिलेगा ही मिलेगा, हर मूवी के साथ होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ जवान के साथ हो रहा है, जब पठान आई थी तब उसके साथ भी हुआ, बाहुबली 2 के साथ हुआ, KGF 2 के साथ हुआ, RRR के साथ हुआ, या फिर हॉलीवुड की मूवी ले लो, एवेंजर्स एंड गेम ले लो, अवतार द वे ऑफ वाटर, जो इंडियन सिनेमा में, हिंदी सिनेमा में 50 दिन से ऊपर लगातार जगह बना के गई थी, उसके वर्किंग डेज में भी डिप देखने को मिली थी। तो वर्किंग डेज में डिप देखने को मिलता है कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ
ग्रोथ होती है, ह्यूज कलेक्शन होता है सिर्फ संडे और सैटरडे के कलेक्शन से। तो सिर्फ हिंदी से मूवी ने कल यानी सेकेंड थर्सडे में 15वें दिन में 8 करोड़ की कमाई करी थी और ऑल इंडिया से 9 करोड़ और क्रॉस से लगभग 12 करोड़ के आसपास कमाते दिखी थी ये मूवी। और कल पूरी दुनिया से मूवी ने 16 करोड़ कमाते हुए अपने खाते में लेके आई थी। तो इसी के साथ सिर्फ हिंदी से पहले 15 दिन में 474 करोड़ का कलेक्शन मूवी कर लेती है और पहले 15 दिन में नेट इंडियन कलेक्शन की बात करें तो 529 करोड़ अपने खाते में रख लिया था कल एंड ऑफ द डे तक। इसी के साथ पूरी दुनिया से कल पहले 14 दिन में ही 939 करोड़ इट मींस 939 करोड़ का ह्यूज कलेक्शन अगेन अपने खाते में रखा कल एंड ऑफ द डे तक। बात करें आज यानी 16वें दिन यानी सेकंड फ्राइडे की कैसी ग्रोथ चल रही है, आज भी वर्किंग डे होने के कारण ग्रोथ एवरेज ही है, कल की तरह ही एवरेज है। आज भी डिप देखने को मिल रहा है। ओवरऑल 15% की ऑक्यूपेंसी के साथ मूवी इवनिंग और नाइट में कुछ एक जगह हाउसफुल बैनर के साथ ट्रेंड कर रही है, कुछ एक जगह अब हाउसफुल शो चल रहे हैं, बाकी फिलिंग फास्ट और कुछ आधे शोज भी चल रहे हैं। तो आज मूवी एंड ऑफ द डे तक ऑल इंडिया नेट से लगभग 9 करोड़ तक के आंकड़े को अपने कब्जे में ले लेगी, जिसमें से सिर्फ हिंदी से 8 करोड़ का आंकड़ा दिख रहा है और पूरी दुनिया से 15 करोड़ की कमाई करते नजर आएगी ये मूवी आज अपने एंड ऑफ द डे तक। इसी के साथ सिर्फ पहले 16 दिन में आज मूवी 482 करोड़ का मार्वलस आंकड़ा सिर्फ हिंदी से अपने नाम कर लेगी। इसी के साथ पहले 16 ही दिन में नेट इंडियन कलेक्शन मूवी का हो जाएगा 537 करोड़ और पूरी दुनिया से ये मूवी आज अपने एंड ऑफ द डे तक 938 करोड़ के आंकड़े को टच करते नजर आएगी। हु नोज, ये आंकड़ा मे भी 940 करोड़ भी हो जाए, क्योंकि कल की रिपोर्ट जो है फ्लेक्सिबल है, अभी जब ऑफिशियल रिपोर्ट आएगी तो बाद में हमें पता लग जाएगा कि कल कितनी कमाई करी है एक्चुअली। तो मैंने बहुत बोल लिया, अब आपकी बारी, आप लोगों को भी क्या लगता है कि ये मूवी अब 1000 करोड़ से कितनी दूर है, बस थोड़ी सी दूर है। तो क्या लगता है कि 4 से 5 दिन के अंदर ये मूवी 1000 करोड़ कंप्लीट कर लेगी या फिर परसों संडे एंड तक ये मूवी 1000 करोड़ कंप्लीट कर जाएगी? तो जो भी आपकी राय है नीचे कमेंट बॉक्स पर जरूर बता के जाना। इसी के साथ मूवी लाइफ टाइम कलेक्शन कितना कर सकती है, मैं मान के चल रहा हूं 1200 करोड़ तो ये टच करेगी ही करेगी। और हु नोज, KGF 2 के लाइफ टाइम वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को ये खदेड़ जाए, हु नोज, बट चांसेस हैं, पोटेंशियल है, खदेड़ सकती है अगर ग्रोथ अच्छी लगी। सैटरडे और संडे में उछाल मारती है तो मे भी चांसेस हैं कि KGF 2 के लाइफ टाइम कलेक्शन को ये खदेड़ दे। तो आपका क्या कहना है, जो भी आपकी राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता के जाना। बाकी मूवी रिव्यू और बॉक्स ऑफिस से जुड़ी सभी अपडेट्स के लिए और बॉलीवुड हॉलीवुड साउथ फिल्मों के अपडेट्स के लिए हमारे साथ ऐसे जुड़े रहना, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। दूसरा, अंगूठे वाला बटन दबा के वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।